खबर कन्नौज से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने परिवार पर हमला किया है। घर में घुसकर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटकर 5 व्यक्तियों को घायल कर दिया गया है। बताया जाता है कि पिटाई में घायल अधेड़ की मौत हो गई है, वहीं 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। दरअसल यह मामला छिबरा मऊ के बरवा सबलपुर का है, जहाँ के निवासी सुरेश चंद की पिटाई के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि गांव के ही पूसे लाल दिनेश और मुकेश ने पीट पीट कर हत्या की थी। पुलिस ने सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज झगड़ा हो गया बरुआ सबलपुर में, हम वहीं पर थे, मेरे मौका सामने लोगों ने पूरे परिवार ने मारा बहुत। किसको? सुरेश चंद को, उनकी पत्नी, उनके लड़का को और छोटे लड़का, उनके 4 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, एक आदमी खत्म भी हो चुका। सुरेश चंद कोई बातचीत नहीं है, अंदर चाय पी रहे थे, घर पर हमला हुआ है। किससे मारपीट हुई है? ताना पूसे लालू दिनेश और मुकेश मजिला के हैं, मुकेश आनंदपुर के हैं, दो लड़के, उनको चेहरा पहचानता है लेकिन हम नहीं जानते। इन लोगों ने मारा है? इन लोगों ने सबने पूरे किस से मारा है? लाठी छुरी चाकू और तमंचा भी थे, 2 धारदार हथियार था इनके पास, लाठी भी, 2 पैर टूट गए उनके, खत्म हो गए। आप कौन है? हम उनके रिश्तेदार हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित। क्या रिश्ते में क्या लगते हैं? उनके पापा के भतीजे लगते हैं उनके। तो आप यहीं पर थे? नहीं नहीं, वहाँ पर थे जहाँ झगड़ा हुआ था, घटनास्थल पर। हाँ, कहाँ पे हुआ था ये? बरुआ सबलपुर। किसी को शिकायत करी आपने? शिकायत हम पहले कर चुके हैं, हर जगह शिकायत करी थी हमने, दरोगा संजय शुक्ला उनको भी बताया था हमने। कब शिकायत करी थी? हमने शनिवार को शिकायत करी थी। मामला कब का है? मामला आज का है, शिकायत हमने शनिवार। मारपीट कब हुई थी? मारपीट आज हुई, आज सुबह। मारपीट से पहले शिकायत कर दी? ऐसे पहले तो ये लोग, जिनका झगड़ा हुआ था, तो ये लोग घर छोड़ भाग गया है, घर छोड़ी बात किया, झगड़ा ना हो इस वजह से चले अपने घर पर। हम मेरे घर पर रहे 3 महीना, हमने चलो दूंगा अपने घर चलो, दरोगा जी ने कही भैया अपनी जमानत करा चुके, अपने घर आइए तुम लोग। तो शनिवार को वहाँ पर पहुँच गए, तुमने भैया साहब जा ही रहे हम लोग, तब बता के तब उनके घर पर गए थे। अब कहाँ लेकर आए इनको? अब लेके आए जिला अस्पताल कन्नौज। सभी घायलों को? सभी घायलों को, 2 आदमी हैं रेफर, का नाम मेडिकल कॉलेज।